तो अगले दो दिन हम तीन इंजीनियर्स कुछ धमाल करने वाले हैं। तो हम लोग राइट नाउ है सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नेपा वैली, विच इज अराउंड 3 hours ड्राइव, एंड वी आर इन ए RV, इट्स लाइक ए रेजिडेंशियल व्हीकल, दिस इज गोइंग टू बी आर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो हम लोगों ने पूरा सामान वगैरह बदली, तो स्टार्ट करते हैं यार, है ना, पहले। तो भाई सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरा छोटा भाई, हाँ भाई पारस, है ना। सो पारस ही स्टडीड कंप्यूटर साइंस इन IIT बॉम्बे, एंड ही इज राइट नाउ वर्किंग एट सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल हेडक्वार्टर्स। और मेरे साथ एक और मेरे दोस्त हैं, हेलो मुकुल, हाय। सो ही इज ड्राइविंग राइट नाउ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिसिस्ट आई हैव मेट इन इंडिया। सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए सीनियर डेवलपर इन माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया एंड ही वर्कड एज ए फिजिक्स फैकल्टी फॉर फ्यू ईयर्स, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स फैकल्टीज आई हैव एवर सीन, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एंड राइट नाउ ही इज रनिंग 2 startups, वन इन इंडिया एंड वन इन टेक्सस USA। तो ठीक है यार, ये बातें बहुत हो गई, अब अपन यार टूर करते हैं इस आरवी का, है ना, और मैं थोड़े दिखाता हूँ ना कैसे व्यू दिख रहा है। गुड मॉर्निंग प्रतीक सर, चलो भाई टूर करते हैं हमारी आरवी का, विच इज गोइंग टू बी आवर होम फॉर नेक्स्ट 2 days। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं यार, इसमें ये आरवी 4 लोगों के लिए, इसमें 4 लोग रुक सकते हैं, 2 लोगों का बेड यहाँ पर है और बाकी के 2 लोग यहाँ आ सकते हैं। और आई थिंक ये सबसे सही तो ये है क्योंकि यहाँ पे विंडो है, फुल आप नज़ारे लेते हुए जाओ। खेल सकते हैं हम लोग, बहुत सारे गेम्स वगैरह लेके आए, इंडियन गेम्स यहाँ पर है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें गेम्स, वी हैव लॉट्स ऑफ गेम्स हियर। फ्रिज भर दिया है, सिलिकॉन वैली में भाई इतने इंडियंस हैं, इतने इंडियंस हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया का जो यहाँ पे ना मिले, हर चीज़ मिलती है इंडिया के ना। और हम लोग आज कल बहुत क्विकली खाना बनाते हैं, मतलब यार अभी हम नापा वैली पहुँचे नहीं है, वी आर स्टिल इन सिलिकॉन वैली, पर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, वहाँ के भी देखेंगे अपन कैसे हैं। नापा वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ड्राइवर सीट हमारे दोस्त मुकुल भैया एंजॉय करते हुए, बढ़िया मस्त म्यूजिक, अलग ही लेवल मजे ले रहे हैं, मेरी आवाज़ भी आ रही है इस म्यूजिक के चक्कर में आ रही है। और यहाँ हमेशा बरसात होती रहती है, यहाँ 1 घंटे में बरसात हो जाती है। ये आरवी पार्क है, चलो अपनी आरवी के अंदर चलते हैं, क्या चल रहा है। मैगी तो भाई मैगी बना रहे हैं, है ना, अपने यहाँ की पार्टी बिना मैगी के तो हो नहीं सकती है कोई भी। तो भाई सुबह हो गई है और हम लोग आरवी पार्क पहुंच गए, आरवी कैंप ग्राउंड। तो ये जगह होती है भाई जहाँ पे जितने भी लोग आरवी लेके निकलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, मोस्टली इन द नाइट, एंड दे स्पेंड द नाइट हियर। तो आरवी ज़ाला की और मूविंग होम, है ना, यहाँ पे बहुत सारी भाई आरवीज हैं, सबने अपनी पार्क कर रखी है। ये भाई हमारी तो छोटी सी आरवी है, हमारी आरवी इज़ लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट, और बाकी लोगों की आरवी अगर तुम देखोगे तो भाई बड़ी बड़ी आरवी लेके निकले हुए हैं लोग। तो इस बंदे की आरवी तो भाई देखो 2 BHK, बहुत बड़ी सी आरवी लेके आएगी बंदा। ट्रांसफॉर्मर टाइप लग रही है, यही लेके निकलेंगे यूरोप ट्रिप पे, यही लेके जा रहे हैं 3 महीने के लिए, यही हमारा घर होने वाला है।
तो जब अपन आरवी लेके निकल रहे होते हैं तब तो सारी चीज़ें प्रोपेन पे चल रही होती हैं, फ्रिज, गैस और हीटर और माइक्रोवेव वगैरह, बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। पर सर आपको चार्ज वगैरह भी करना होता है ना, वाटर सप्लाई भी करनी होती है, तो ये इधर आरवी कैंप ग्राउंड में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। इस पाइप को लगा के हम है ना पानी की सप्लाई देते थे, पानी भर जाता है इसमें, और ये इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है। तो जब भी हम स्टे करते हैं आरवी से कैंप ग्राउंड में तो देख लेते हैं भाई वाटर लेवल कितना भर गया है ना। तो इधर दिखा रहा है भाई फ्रेश वाटर 2/3 हो गया है, आई थिंक 5 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा एंड देन वील बी गुड टू गो अगेन। तो भाई हम लोग पहुंच गए नापा वैली और ये जगह बहुत ही सुंदर है, चलो देखते हैं यार कैसी है ये जगह।